अस्सलाम वालेकुम असलोडियो हम बात करेंगे हेरिडिटरी नॉन पोलिपोसिस कोलोरेक्टल कैंसर की इसका याद रखना है कि दिस डिजीज़ या दिस कैंसर इट इज़ बेसिकली कॉज बाय इनहेरिटेड म्यूटेशंस इन योर एमएमआर जीन्स योर मिसमैच रिपेयर जीन्स जो कि हमने सेकेंड ईयर बायो केमस्ट्री के में डी रिपेयर के चैप्टर में पढ़ी थी कि जो डिस मैच रिपेयर जो, जो जीन्स होती हैं बेसिकली इन कोड द प्रोटीन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्शन एग्जेशन एंड रिपेयर ऑफ द एरर्स विच ऑकर्ड ड्यूरिंग डी एन रेप्लीकेशन तो इन एम एम आर जीन्स में जब कोई म्यूटेशन आ जाए तो इट यूजली कॉजेज़ एच एन पी सी सी एंड इसको हम लेंथ सिंड्रोम भी कहते हैं और जो कोलोन कैंसर होता है एच एन पी सी सी के पेशेंट में वो यूजली यंगर एजेस में होकर करता है और राइट कोलोन को ज़्यादा रिफेक्ट करता है और म्यूटेशन ज़्यादातर एम एस एच टू और एम एल एच वन जीन्स में आती हैं ये दो जीन्स के नाम याद रखने होंगे इनको हम अभी आगे एडीनो कार्ड में भी और ज़्यादा पढ़ेंगे अच्छे से कि इन दो जीन्स की म्यूटेशन हो जाती है ये देखा गया है कि ज़्यादातर एक म्यूटेंट जीन होती है इन दो उसकी जीन्स की और एक नॉर्मल अली मिलती है जब नॉर्मल अली की भी म्यूटेशन हो जाती है ड्यू टू तो डिफरेंट प्रोसेस तो उसकी वजह से होता क्या है जब इन जीन्स की म्यूटेशन होती है एज अ रिज़ल्ट हमारी डी एन ए के अंदर जहाँ पे जो डी एन ए डिफरेंट रीजनस है जहाँ पर शॉर्ट रिपीटिंग सीकुनसेस ज़्यादा मिलते हैं ना जिनको हम माइक्रो सैटेलट्स भी कहते हैं उस जगह पर प्रॉपर रिपेयर नहीं हो पाता Uh, क्या कहते हैं मिसमैच रिपेयर होने लग जाता है जिसकी वजह से इवेंचुअली हेरिडिटरी नॉन पोलिपोस कोलोरेक्टल कैंसर हो जाता है सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू एच एन पी सी सी आई होपी इसके समझ में आगे हो बस ये दो जीन्स के नाम याद रखना है एम एस एच टू और एम एल एच वन के शॉर्ट रिपीटिंग सीक्वेंस के लेवल पर ये म्यूट जब इनमें म्यूटेशन आ जाए तो यहाँ पे जो माइक्रो सैटेलाइट रीजन जिसको हम कहते हैं इन शॉर्ट रिपीटिंग सीक्वेंस को दिस रीजन इज नोन एज माइक्रो सैटेलाइट रीजन माइक्रो सैटेलाइट इनस्टेबिलिटी हो जाती है और डी एन ए में जो वही मिसमैच बन रहे थे उनकी प्रॉपर रिपेयर नहीं हो पाती सो दैट वीज ऑलरेडी डू एच एन पी सी सो पी एस वन में आ गया वन थैंक यू